तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग हैं दिल्ली के अंदर। तो हम लोग आए थे कल शाम को दिल्ली भाभी को छोड़ने के लिए, और मेरा भांजा था, उसके भी चोट वगैरह लग गई थी, तो उसको भी देखने के लिए आए थे। तो अभी बस जनकपुरी के अंदर है, और अभी थोड़ी देर में हम यहाँ से निकलने वाले हैं। तो फिर मिलते हैं अभी आपको। तो अभी बस मैं गाड़ी में कुछ लेने के लिए आया था, कुछ लेके आए थे उधर से। पूरी गाड़ी के अंदर सामान ही सामान है। तो खाना किधर रखा है? तो अभी खाना तो मिल चुका है, बस ऊपर ही जा रहा हूँ। तो ऊपर ही फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर पे ही। तो मेरे भाई का जो है वो फोर्थ फ्लोर पड़ता है वहाँ पे, जो उसने घर ले रखा है। बहुत ही ज़्यादा ऊंचा था भाई, ज़्यादा चढ़ते चढ़ते सामान लेके चढ़ने में तो सांस ही फूल गई थी, चक्कर भी आ गए थे। ग्रेसी, अब ये है मेरा बड़ा भांजा उद्यमी ग्रेसी मायरा। गाड़ी चलाएगा है? हेलो ग्रेसी, बाय 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 बाय। बड़े बड़े तेरा छोटा वाला। ये भाई के पैसे ले लियो। तो बस अभी हम लोग निकलने वाले हैं, गाड़ी में बैठ चुके हैं, तो निकलते हैं फिर। तो हर जगह ट्रैफिक ही ट्रैफिक था। तो अभी आप जो सामने देख सकते हैं वो स्टेडियम बना हुआ है, बहुत ही बड़ा स्टेडियम बना हुआ है। और जिस रोड पर हम चल रहे हैं ये सारा रोड बिल्कुल ऊपर बना हुआ है, मतलब कि ब्रिज है ये, कई किलोमीटर का बहुत ही लंबा पुल बना हुआ है। यहीं पास में बनी हुई पुरानी इमारतें, ऐसी तमाम चीजें बनी हुई हैं। अभी एक सामने भी बना हुआ है जो कि शायद आपको ना दिख रहा हो, वो बना हुआ है सामने। तो ये ब्रिज के ऊपर से ब्रिज निकाल रहे हैं, तो गाड़ियां इसके ऊपर से भी जाया करेंगी, या तो शायद मेट्रो जाएगी। अब ये पुल उतरने वाला है ग्रेटर नोएडा के अंदर में, तो बहुत ही ज्यादा मोड़ है इस पुल पर। जैसा कि आप भी देख ही सकते हो कितना ज्यादा मोड़ है, मतलब पूरी गाड़ी घूम ही जाएगी। अब आप देख ही सकते हो कितना तगड़ा वाला मोड़ है। और यहां से उतरने के बाद में हम एंटर हो जाएंगे ग्रेटर नोएडा के अंदर। तो अभी सामने देख सकते हो, यहां से हम यहां आ गए, बिल्कुल बिल्कुल देख सकते हो आमने सामने है। तो अभी हम नोएडा से परी चौक के लिए निकल चुके हैं, और अभी ये जो रोड है बहुत ही अच्छा बना हुआ है, तो यहाँ ज़्यादातर ट्रैफिक मिलता ही नहीं है। और यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, जैसा कि आप सामने देख सकते हो। और आप सामने भी देख सकते हो, जो कि आपको दिख रही होगी एक टावर की तरह, तो ये नई बिल्डिंग बन रही है, अभी बहुत ही ऊंची बिल्डिंग बन रही है। तो परी चौक चौराहा आ चुका है, और जगह जगह पर लग चुके हैं फुहारे। तो अभी यहाँ से पहले सीधे ही निकल जाते थे, लेकिन अब आगे से रूटन लेके आना पड़ता है। तो अभी रूटन लेके हम आएंगे, और दिखाता हूँ मैं आपको। अभी सामने आप देख ही सकते हो फुहारे चल रहे हैं, तो सारे रोडों पर फुहारे लगे हुए हैं यहाँ पे, तो बहुत ही अच्छे लग रहे हुए हैं। तो अभी देखो रूटन ले लिया है हमने, इधर भी चल रहे हैं फुहारे, और आगे तक हैं चौराहे पर। तो ये है परी चौक, परी खड़ी है। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं सिकंदराबाद से खुर्जा के लिए, तो अभी हम बस कुछ ही टाइम में पहुंचने वाले हैं खुर्जा। तो अभी हम लोग आ चुके हैं घर पे, बस सामान वगैरह रख लिया है, और अब हम अपने अलीगढ़ के लिए बस निकल ही रहे हैं। तो कुछ सामान रह गया था वो लेने के लिए आया था दोबारा में, तो बस अपना वो सामान लेके और फिर निकलते हैं। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं अलीगढ़ के लिए, और रोड आप देख ही सकते हैं कितना ही अच्छा बन चुका है। तो पहले बहुत ही बुरा हाल था इस रोड का, और अब फिर से इसको दोबारा से नया बनाया गया है। और अब हम चल रहे हैं एनटीपीसी के पीछे, तो सामने आप देख ही सकते हो क्या अच्छा नज़ारा आ रहा है।
सनसेट हो रहा है और जैसे कि आप देख ही सकते हो कितना प्यारा लग रहा है सनसेट, और सामने का रोड का व्यू भी बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हल्का हल्का शेड आ रहा है सन का, तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है सामने देखने में, और रोड भी बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये भी नया बना है NTPC के पीछे। तो अभी मैं आ चुका हूँ अलीगढ़ अपने घर पे, तो मेरा पार्सल भी अभी थोड़ी देर पहले ही आया है, तो मैंने अभी माइक मंगाया था तो इसकी भी अनबॉक्सिंग वीडियो बनाऊंगा। तो अभी हम लोग बस केक लेके आए हैं और मार्केट से, और केक अभी मेरे हाथ में ही है और हवा चल रही है बहुत अच्छी वाली ठंडी, तो आज मैंने लगाया है बहुत दिन बाद केक लगाया है सर पे क्योंकि ठंडी में बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। तो मिलते हैं आपको घर पे। तो आज बन रहे हैं हमारे यहाँ पे चिकन के पकौड़े, तो अभी बनेंगे यहाँ पे चिकन के पकौड़े और सब्जी भी बनेगी, तो अभी बन रहा है, पूरी तैयारी चल रही है। तो अभी हम लोग चलते हैं बाहर, दवाई लेने जाना है हमें, तो चलते हैं। तो अभी पकौड़ी जो है वो बन चुकी हैं, देखने में तो बहुत ही टेस्टी लग रही हैं, और अभी ट्राई करके देखते हैं कि कैसी बनी है और बाकी की सीख रही हैं अभी। आज है मेरी वाइफ का बर्थडे, दिल्ली से आया था इसलिए ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया। तो अभी केक वगैरह तो कट चुका है और बस केक वगैरह खा रहे हैं, और हमने पकौड़ी वगैरह तो खाई नहीं, बढ़िया बनी थी पकौड़ी। आज का दिन कुछ ऐसा ही था, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी वीडियो आपको मिलते रहेंगे, तब तक के लिए बाय।